हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो आज की इस वीडियो में हम LNMU पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 7 जो कि 2018 में एग्जाम हुआ था इनके क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करेंगे, एनालिसिस आज की वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके पास इस एग्जामिनेशन में टोटल 3 आवर्स का टाइम होता है, फुल मार्क्स 100 का होता है और पास मार्क्स 45 होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया हुआ था, एक्सप्लेन विद रिफरेंस टू द कंटेक्स्ट ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन आ गया, ए बी सी डी, और सभी में और कर करके एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। इनमें से दोनों में से या तो और वाला बनाइए या फिर जो क्वेश्चन उसका है वो किसी एक को चूज करिए और बनाइए। आप इसको पढ़ लेना। किसी लड़के ने प्रीवियस वीडियो में कमेंट किया हुआ था कि सर प्रीवियस ईयर वाला जो वीडियो बना रहे हो उसमें थोड़ा टाइम लॉन्ग लग रहा है, लंबा लग रहा है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश कम करूंगा, बस आपको दिखाते चलता हूँ। तो ये एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन था, ए से लेकर के डी तक है एक्सप्लेन वाला, सभी में और करके है, सभी क्वेश्चन को आपको बनाना है। सभी जैसे ए है तो ए में भी दो है, एक तो क्वेश्चन हो गया और उसमें एक अथवा करके दिया हो, यानी इस डी में से ए से लेकर के जो डी दिया हुआ है ना सभी में एक एक एक्स्ट्रा यानी और करके ऑप्शन दिया, यानी टोटल कितना हो गया 8, यानी हर सेक्शन से आपको या तो और वाला बनाइए या फिर जो क्वेश्चन दिया हुआ इसको बनाइए। दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ था ये आया हुआ है, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। आपके पास यहाँ पे 4 वर्क्स है, किन्हीं एक पे आपको लिखना है, या तो ये लिखिए या फिर अगला जो उसी में अथवा करके क्वेश्चन आया हुआ है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग, यानी कमला दास एक के ये सब जो है आर्यन टैगोर इस सब पे लिखा हुआ, कि नहीं एक पर आप इसको लिखिए, या तो और वाला बनाइए या फिर ऊपर वाला बनाइए। तीसरा जो क्वेश्चन आया हुआ था ये आया हुआ था, राइट नोट ऑन द नैरेटिव टेक्निक ऑफ द गाइड, और इसी में मैक्रो का कैरेक्टर पूछ रहा था, यानी अटेम्प्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ मार्को का आया होता। और चौथा क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रिंग आउट द मेन आइडियाज कंटेंड इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये था चौथा, और इसी में अथवा करके आया हुआ था, एक्सप्लेन एस राधा कृष्णन्स व्यूज ऑन साइंस ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजन। आप इन दोनों में से किन्हीं एक को चूज करिए और लिखिए। पांचवा जो क्वेश्चन आया हुआ था ये आया हुआ था, क्रिटिकली इवेलुएट आइदर कंपेनियंस और स्पैरोस, यानी या तो आप कंपेनियंस को चूज करिए या फिर स्पैरोस को, दोनों में से किन्हीं एक पर ही आपको लिखना होगा। तो ये था दोस्तों 2017 में आया हुआ क्वेश्चन का एनालिसिस। और अगर इसी तरह के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चाहते हो या फिर LNMU पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी अगर आप चाहते हो, किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट कर बताएं। ऐसे भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि LNMU का हमेशा जितने भी सिलेबस है सभी को कवर करूँ, और साथ ही साथ LNMU पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी का जो सिलेबस क्या है, इनके अंदर क्या क्या पढ़ना चाहिए, सारे पे वीडियो मैं बना चुका हूँ। इसके लिए आप हमारे चैनल संपूर्ण इंग्लिश को विजिट कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।